अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां आरटीओ रीवा के द्वारा प्रभारी परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के साथ प्रभारी हनुमना एवं चेक पोस्ट चाक घाट सात कई जगहों पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रीवा इलाहाबाद, रीवा मिर्जापुर, रीवा भोपाल, रीवा इंदौर, मऊगंज कटरा, नई गढ़ी, मऊगंज सीधी तथा अन्य विभिन्न मार्गों पर यात्री किराया को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। दीपावली के अवसर पर यात्री बसों के द्वारा यात्रियों से अधिक किराया लेने की संभावना बनी रहती है, इसको गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग की टीम द्वारा यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया गया तथा यात्रियों से बातचीत कर किराए की स्थिति की जानकारी ली गई। इस संबंध में परिवहन आयुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। बसों पर जांच के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सीट तथा दिव्यांगों को सीट एवं 50% किराए की छूट के संबंध में बस संचालक को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा इस आशय के स्टिकर लगवाए गए। इस पर रीवा आरटीओ तथा प्रभारी परिवहन सुरक्षा स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें 95 यात्री बसों की जांच की गई तथा किराया सूची चस्पा न होने पर परमिट शर्तों के उल्लंघन एवं अधिक किराया लेने पर 26 यात्री बसों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही की गई तथा जुर्माना राशि ₹32,000 वसूल किया गया। बस में औचक निरीक्षण कर यात्रियों से संपर्क किया गया तथा उनसे किराए के संबंध में जानकारी ली गई। नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही के साथ साथ किराया सूची भी चस्पा कराई गई। साथ ही पूरी कार्यवाही के दौरान अन्य वाहनों से ₹96,500 का राजस्व वसूल किया गया। संपूर्ण त्योहारी सीजन में यह कार्यवाही एक अभियान के तौर पर जारी है। कौन सी वाली में? है थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं रखा किराया। पेट्रोल कितना लोग? ₹165 चार्ज कितना होगा? 210 का 215 जी। और ये कहाँ लगाया है? बोलिए लगाया है।